हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं बताने जाऊंगा फेशियल रिकॉग्निशन और फेशियल डिटेक्शन कैमरा। साथ में मैंने कौन कौन से एक्सेसरीज यूज़ किए हैं उसके बारे में मैं डिटेल में पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनर की बात करूँ तो ये मैंने मॉडल लिया है, ये मॉडल आपने देख लिए, सॉरी ये मॉडल उसके बाद मैंने ये मॉडल का ये मैंने कैमरा लिया है अपना, ये मॉडल का अपना कैमरा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने किया क्या कि ये बेसिकली नॉर्मल आईपी कैमरे के जैसे पहले मैंने ट्रीट किया क्या कुछ नहीं है। ये आपको जैसे पावर दे दिया मैंने, ये आपका लैन पोर्ट है आपका जो स्विचेस से हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये HDMI पोर्ट है और ये अपना माउस का पोर्ट है। अब मैंने किया क्या है कि इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पे देखिएगा स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया है और एक वायर निकाल करके ये अपना कैमरा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसकी जो मैंने आईपी दी है यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसका आईपी जो है बाय डिफॉल्ट अपना 108 है तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ओपन किया है, सिंपली जैसे आप 2 मेगापिक्सल आईपी कैमरा या 4 मेगापिक्सल आईपी कैमरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉगिन किया इसको, ये लॉगिन हो गए। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये एक्चुअली में जो है फेस ये डिटेक्ट कर रहा है, हरा मतलब डिटेक्ट किया और जैसे ही ये रेड हो जाएगा सर्किल दैट मीन्स ये कैप्चर कर करके स्टोर करने का आपका हार्ड डिस्क में, ठीक है। अभी मैंने सेटिंग्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मैंने अभी दोनों इन पे करना होगा, आपको कैमरे के इन पे भी सेटिंग्स करना होगा और NVR के इन पे भी सेटिंग्स करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इवेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है। इवेंट का ऑप्शन के बाद देखेंगे आप फेस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन में आप जाएंगे तो देखिए ड्रॉ लाइन है, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करेंगे ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया आपका, यहाँ पे मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज जैसा आप चाहते हैं उस आपको देना है और ये बाय डिफॉल्ट ये इनेबल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनेबल करना होगा, फेस इनहांसमेंट वो भी इनेबल करना है आपको, स्नैपशॉट के लिए लेना है आपको, इनेबल कर करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। उसके साथ साथ इस कैमरे में उसके बाद मैं आता हूँ अब NVR के पार्ट पर, ठीक है। NVR के पे जाना करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है और जैसे नॉर्मली आप आईपी कैमरा सर्च करवाते हैं तो ये आईपी आपको आईपी कैमरा सर्च कर गया, ठीक है। इसको एज इट इज क्लिक करके आपको नीचे ऐड करवाएंगे तो ये आपको नीचे ऐड हो गया, ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। जब ऐड होगा तो सामने आपका कैमरा चलने लगेगा, ठीक है। कर हाँ, अब आपको ये सेटिंग तो मैंने कैमरा कर दिया, अब NVR पे करना है क्या आपको कि ये इसका शेड्यूल बनाना है, रिकॉर्ड होगा कहाँ कैसे होगा, तो वो चीज़ें करना क्या आपको, यहाँ पे मेन मेन्यू में जाने के बाद आपको स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। स्टोरेज में जा करके आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने IVS पे टिक मार्क कर दिया है, ठीक है, जनरल और IVS यहाँ पे ऑन करना है आपको और ये ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि IVS में जितने भी जो फीचर्स हैं जितने भी वो IVS के जितने भी फीचर्स हैं वो और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जितने भी इसके जो फीचर्स हैं जो भी ये बिहेवियर इसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो इस लेन में आप ये देख रहे हैं ये कलर IVS पिक्चर वो आपको दिख जाएगा। दूसरा चीज़ करना क्या है आपको और इसमें कि आपको इमेज इन्हांसमेंट में जाकर के आपको इनकोड में जाएंगे और बाय डिफॉल्ट ये आपको 65 यहाँ पे करना है जो कि आपको कैमरे के एंड पे भी 65 करना पड़ेगा। जो चीज़ आप यहाँ सेटिंग करेंगे सेम कैमरे का लोकेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नेटवर्क में गया सॉरी कंडीशंस वीडियो में गया मैं और वीडियो में भी मैंने यहाँ पे 0.265 अगर आप इसको ऑन करेंगे तो और ज़्यादा बिटरेट कम खाएगा आपका, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा और बढ़ जाएगा आपका। सेम चीज़ें मैंने इधर भी किया है, इससे क्या होगा कि आपका कंप्रेशन है। अब आप आइए सिस्टम पे इवेंट के अंदर, इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, पीपल काउंटिंग, इसी कैमरे की मदद से आप पीपल काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पीपल काउंटिंग के बाद IVS फीचर्स जो ट्रिग वायर होता है आपका वो सारे जितने फीचर्स ट्रिग वायर हो गया आपका, मिसिंग ऑब्जेक्ट हो गया, बर्नेड ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे IVS के फीचर्स हैं। उसके बाद जो मैं अभी मैं जो किया हूँ इसका फंक्शन वो फेस डिटेक्शन वाला है,
कि ये मैंने बताया इसको इनेबल, उसके बाद ये एज इट इज फेस अटैच कर करके, और जैसे ही आ जाए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये आपको नीचे फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को जाकर के आप यहाँ आप कीजिएगा, जैसे आप कीजिएगा तो ये साथ में चलते चलते आप सामने भी आ जाएगा। तो अभी एक देखिए जैसा कि सर बैठे हुए थे, तीन का जो फेस जो है अभी आना शुरू हो गया, अभी ये इनका ये भी दिखा रहा है आपका कि ये मेल है, यंग है, नॉर्मल है, चश्मा पहने हुए हैं नहीं पहने हुए हैं, ये भी चश्मा नहीं पहने हुए हैं, यंग है, सारे मतलब एट्रीब्यूट फेशियल डिटेक्शन और रिकॉग्निशन में ये डिफरेंस मेजर है आपका। डिटेक्शन बस ये पिक्चर स्टोर कर करके ये हार्ड डिस्क में आपका स्टोर करेगा, बट रिकॉग्निशन जो कि जब मैं बात करता हूं तो ये जो आपका फेशियल एट्रीब्यूट है, यहां सेटिंग में मैं दिखाऊं आपको, यहां पे ये देखिए स्नैपशॉट एडवांस, यहां सेटिंग्स, ये जो आपका है जेंडर बताएगा, आपका एज बताएगा, आपका ग्लासेस बताएगा, आपका एक्सप्रेशन है, आपने उतमोचे पहना है कि नहीं पहना है, ये जितने भी चीजें हैं ये सारा कुछ आपको फेशियल रिकॉग्निशन ये बताएगा। दूसरी चीज इसका एडवांटेज और कहाँ है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी कुछ बताऊंगा, मैं कुछ जगह रिकॉर्डिंग लगाया हूँ कैमरा, तो उसका जो है कि पर्पस क्या है, क्या कर सकते हैं हम, वो सारा कुछ मैं आपको रिकॉर्डिंग जब मैं आऊंगा रिकॉर्डिंग पार्ट पर फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका फेशियल रिकॉग्निशन का जब मैं बात कर रहा हूँ अभी। डिटेक्शन का मतलब क्या है कि जो अभी लाइव में देख रहे हैं बस ये स्टोर करेगा, ये जितने भी पैरामीटर आप जो दिख रहे हैं ना ये चीज आपको नहीं बताएगा, ठीक है। अब आप हम आते हैं रिकॉर्डिंग पे, ये कुछ मैंने रिकॉर्डिंग किया था तो उसका मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको मैं बता रहा हूं प्लेबैक, प्लेबैक को क्या प्रोसीजर है, जैसे नॉर्मल इसमें भी प्लेबैक वैसे ही एज इट इज होगा, बस इसमें सेटिंग का थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। अब मैं इसे प्लेबैक करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये मैंने कैमरा लगाया था अभी, स्टॉप कीजिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसी स्टेशन का पिक्चर है, ये मल्टीपल्स पिक्चर एक बार में स्टोर करता है आपका, ठीक है। ये तो अभी रिकॉर्डिंग जो आपको एज इट इज जो दिखता है आपको वो दिख रहा है, प्लस इसका जो फेस का जो आपको कैप्चर कर रहा है, ठीक है ना, वो अलग स्टोर करता है, ठीक है। इसमें अब दो चीजें, इसका एडवांटेज क्या है, एक चीज है कि इसमें ब्लैकलिस्ट और व्हाइटलिस्ट कर सकते हैं। ब्लैकलिस्ट वो जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हो गए या कुछ वैसे जिसका आप चाहते हैं कि ये बंदा अगर जब भी कैमरे के सामने आए तो मुझे अलर्ट मिले। सो जैसे ही बंदा कैमरे के सामने आएगा जिसको आपने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका जो है पॉपअप, आपको मैसेज चाहिए मैसेज मिलेगा, ईमेल चाहिए ईमेल चाहिए ईमेल मिलेगा, ठीक है। ये चीज है आपका, और मैं कुछ और वीडियो दिखाऊंगा, देखिए मल्टीपल्स जो है काम कर रहे हैं आपके, ये जितना भी है वो आपको रेटर कर रहे हैं, ये सारे कैचअप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात आता हूँ स्नैपशॉट का, अब मैं आता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो मैंने बताया था अभी रिकॉर्डिंग दिखाया, अब मैं आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने डेट डाल रखा है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, मैंने सर्च किया, सर्च किया तो जितने ये फोटोज हैं टोटल आपका एक जो फोल्डर बन करके आएगा, एक पेज है उसमें 5 और 5 ऐसे यानी 25। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीजें कि 273 फोटो है आपका, यानी 273 पेजेस है आपका, और एक पेजेस में 25 फोटो इन्होंने सेव किया है, ठीक है। अब आपका मान लीजिए ये आपको ये बंदा दिखना है या आपको दूसरा बंदा दिखना है, ठीक है, मान लीजिए इसका ये देखिए ये बंदा कब आएगा, ये इसमें दो चीज है कि जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो उस समय का रिकॉर्डिंग, ये देखिए अगर आप बड़ा करना चाहते हैं ये देखिए सामने ये बंदा आ गया, ठीक है, बैक जाना चाहते हैं सामने ये बंदा, जैसे ही ये बंदा ऊपर देखेगा ये फोटो भी स्नैपशॉट हो गया और लाइव रिकॉर्डिंग भी, जस्ट 5 मिनट्स या 10 सेकेंड्स डिले फोटो, बैक साइड जो प्रीवियस फोटो होता है 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स जो बिलो टाइम स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है, तो वो भी स्टोर कर सकता है। अगर आप सिर्फ फोटो चाहते हैं तो फोटो भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये क्लिक करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपका ये चीज और बता रहा है इसमें कि जैसे ये बंदा आया,
ठीक है, इसका एज क्या है, मिडिल एज है, जेंडर क्या है, मेल है, ग्लासेस पहना हुआ है, जनरल ग्लासेस पहना हुआ है, एक्सप्रेशन सरप्राइज था, ठीक है ना, ये ब्रेडी पहने हुए, यस, मास्क इसने नहीं लगाया है। ये चीजें फेशियल रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आपको दे रही है, आपको सेपरेट छाटना नहीं है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और क्या मिलेगा आपको, कि अगर आपका मान लीजिए कोई बंदा आया, ठीक है, और आपके पेन ड्राइव में वो स्नैपशॉट है, आप कुछ नहीं करना है आपको, पेन ड्राइव में आप जैसे ही आप वो पेन ड्राइव जैसे लगाते हैं, आप नॉर्मल पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है, और इसके लाइब्रेरी में वो फोटो डलेगा, ठीक है सर, लाइब्रेरी जनरेट करना पड़ता है कैमरे के अंदर, ठीक है, और उससे अगर आप चाहते हैं कि मैच करवाएं कि ये बंदा आया है कि नहीं कैमरे के सामने, जितना बार भी जितना डेट में आया है वो सारा कुछ एज इट इज डेट के सामने, ये देखिए आपका ये जो देख रहे हैं ना आप टाइमिंग विथ डेट, ये सारा कुछ आपको बताएगा। ये कैमरा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है सर, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको एडवांटेज। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना होता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में और भी मैं वीडियो के बारे में बहुत सा चीज़ बताना बाकी रह गया है तो मैं बताऊंगा। रही बात कि आपको और जानकारी चाहिए लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये मॉडल्स पुराने मॉडल्स हैं, ठीक है, जो मेरे पास आया था मैंने बनाया। लेटेस्ट मॉडल कौन सा है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लेटेस्ट मॉडल बता दूंगा, ठीक है ना, उस पर आप काम कर सकते हैं। अभी मैंने ये मॉडल लिया है, आप सीपी प्लस का यूज कीजिए, धौआ का यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।